तो गाइस अभी हम रेडी हो गए, ये रही हमारी बाइकें, हमने 70, ये रही सुजुकी 70 नहीं जाएगी, सिर्फ सुजुकी और हमारी RX 3 जाएगी और ये हम तैयार हो चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम जा रहे हैं जी, मैं, नाजर, आदिया और मानूर, हम लोग जा रहे हैं जी वाघा बॉर्डर। आज वैसे तो वाघा बॉर्डर बंद है लेकिन हम लोगों को स्पेशल परमिशन मिली हुई है इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके दिखाते हैं हम क्या कर रहे हैं। इस वक्त जी हम नहर के ऊपर हैं और नहर से जो है वो हम रुकेंगे अभी रॉयल फार्म के सामने जो हम लोगों का मीटिंग पॉइंट है, और ये हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं रॉयल फार्म के और यहाँ पर हम रुकेंगे। हम तो पहुँच गए, बाकी रह गए उनका इंतज़ार करते हैं। ये हाथी है, ये फर्स्ट टाइम आई है, इसका सेकंड थर्ड टाइम है, यानी कि रैली पे इसका फर्स्ट टाइम है और सेकंड टूर इसने एक मारा एबटाबाद, वो भी मेरे साथ ही। ये रे हमारे बाबा, अभी यूनुस भाई भी आ गए हैं और यूसुफ भाई भी। ये देखें ये झंडे लेके जा रहे हैं, बाजे बजाते झंडे लेके जाते हुए और खुशी का इजहार। ये हमारी बाइक्स हैं जी और ये हमारे वकास भाई हैं और दूसरे साथी हैं। ये हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं जी सारी की सारी, और इस रैली में अच्छी बात ये है कि हमारी बेटियां बच्चियां जो हैं वो हमारे साथ हैं, हम इस रैली पर जा रहे हैं। ये जी हमारी रैली निकल पड़ी है रॉयल फार्म से और ये अबाउट 231 के करीब जो है वो हमारे बाइकर्स हैं इसमें। इसको जो है वो हमने ये डिसाइड किया है कि सिंगल रो में हम चलेंगे ताकि ना ट्रैफिक डिस्टर्ब हो और ना ही किसी को कोई जो है वो कोई हादसा पेश आए। ये अब अंडरपास से गुजर रहे हैं जी हम, मेरी बाइक लीड पे है, ये विकास भाई हैं, विकास भाई ने अपनी लेन चेंज की है। ये दूसरे हमारे बाइकर साथी हैं जी, छोटी सी बच्ची है प्यारी सी ये बैठी हुई है साथ। वेदर खुशगवार है, यहाँ पे हम लोगों की रैली जो है वो रुकी थी। अगेन फिर हम चल पड़े हैं और ये हम नहर के साथ साथ अब बाटापुर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, अभी इस वक्त जो है वो हम लोग जा रहे हैं DRB के साथ साथ बिल्कुल और बाटापुर की तरफ जा रहे हैं। रूट हमारा था कैनाल से और ये नोफल आ रहे हैं और ये वीडियो बना रहे हैं, और मज़े की बात ये है कि इन्होंने हेलमेट बहुत ज़बरदस्त पहना हुआ है, हेलमेट का कवर बहुत ज़बरदस्त है, और इनके साथ इनकी कंपेनियन है शुमाइला। शुमाइला एक ज़बरदस्त चीज़ है, उससे आपको मिलाएंगे वो कि अभी हम उसकी फुटेज नहीं दे सकते लेकिन कहीं पे भी फुटेज बनाई तो मैं आपको बताऊंगा शुमाइला कौन है। ले जी हम पहुंच गए हैं जी बाटापुर और ये रेंजर्स चेक पोस्ट के ऊपर हम रुक गए हैं जी। आप यहाँ पे हमारे जो है वो क्लियरेंस होनी है और उसके बाद हमने यहाँ से आगे जाना है। ये पीछे जो बैनर लगा हुआ नज़र आ रहा है ये जो है वो जनरल पब्लिक के लिए है कि आज जो है वो परेड पे सिर्फ डिग्निटरीज़ और जो स्पेशल
लोग हैं वो आएंगे, तो अल्लाह का शुक्र है जी। और विकास भाई की एफर्ट्स की वजह से हम जो है वो वहाँ पे जा रहे हैं जी। ये जी अब हम वाघा रोड के ऊपर हैं और नौफल भाई बड़े मज़े से इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ये सब हमारे कंपेनियन जी जो अबाउट कोई 31 के करीब लोग थे जो हमारे साथ इस रैली में शामिल थे, जिसमें ख्वातीन और बच्चे वो भी शामिल हैं। और ये बड़ी फैमिली ओरिएंटेड टाइप की रैली थी। ये है जी बतूल और वो अली शफीक जो हैं वो पीछे, ये हैं वकास भाई जिन्होंने रैली का अरेंज किया था सारा। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। और ये नौफल को देखें। नहीं जी हम सेकंड चेक पोस्ट पे पहुँचे, वहाँ से निकल आए आगे। अब हम फाइनल जो चेक पोस्ट है उसके करीब पहुँचने वाले हैं। नहीं जी ये अब हम लास्ट चेक पोस्ट के ऊपर आके रुके हैं। यहाँ से आगे जो है वो डायरेक्ट अब हम पार्किंग में जाएंगे। एक पॉइंट इससे आगे और है, वहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और ये उस पॉइंट से भी हम निकल पड़ेंगे। अली अपनी BMW के ऊपर, शहरयार भाई RX के ऊपर, ले जी फाइनली अब हम बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं जहां पे हमने बाइक्स पार्क करनी है। और ये हमें पार्किंग अलॉट हुई थी जी जहां पे हमने पार्किंग करनी थी। ये रैली जो है जी इसका पर्पस ये है, अभी यहाँ पे हम लोग सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये नारे लगाएंगे आप। नहीं जी बड़े ज़बरदस्त अंदाज से नारे लगाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू अल्लाह। ये जी फाइनली इंक्लोजर में हम लोग इंटर हो गए। और ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये सीट्स जो हैं जी वो हमारे लिए रिजर्व थी सारी की सारी 31 लोगों के लिए। माशाल्लाह लोगों का जज्बा ज़बरदस्त, सूरज बड़ा खूबसूरत, पाकिस्तान का झंडा ज़बरदस्त तरीके से जो है वो है। और ये सारी हमारी जी टीम बैठी हुई है जो आज इस रैली का हिस्सा थे। अच्छा जी इसमें ये जो फ्लैग है, जैसे ही ये फ्लैग इन्होंने ओपन किया तो एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो फ्लैग का इस्तकबाल हुआ। लोगों ने बहुत शोर किया, बड़ा मज़ा आया जी यहाँ पे। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जी जो ये जो परेड है ये देखने से ताल्लुक रखती है। ये देखें जी ये नौफल उस्मान, शदीद गर्मी है लेकिन सब लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं इस स्पेशल ओकेजन को। वाओ ये छोटी गुड़िया भी हमारे साथ आई हुई है। वाह जी वाह। Yeah.
जबरदस्त ही नारों की गूंज है, जैसे ही नारा तकबीर लगाया जाता है और उसका बाकायदा जवाब दिया जाता है। और ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, ज़बरदस्त लोगों का जज्बा है, जोश है और खुशी है लोगों के चेहरे के ऊपर। और ये इतना खूबसूरत, इतना बड़ा झंडा जो है, जिस अदब और तज़ीम के साथ इसको लेके आया गया है, वो बहुत कमाल है। मेजर नैयर साहब बैठे हुए हैं साथ में, अहमद नवाज, कर्नल अहमद नवाज साहब का बेटा बैठा हुआ है, वो उसका जवाब देना। पहले बिगुल बजा, बिगुल के बाद जो है वो इन्होंने कमांड देनी शुरू की, दोनों साइडों से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइडों से कमांड आ रही थी। और ज़बरदस्त किस्म का जोश जो है वो पाकिस्तान में है। इसमें जहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स जो है वो उनकी परेड जो है वो काबिल स्ताइश है, वहीं पे जो लोग जो ढोल पे हैं या जो मुख्तलिफ ड्रेसेस में, कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई केपी के साइड से और कोई पंजाबी बन के खड़े हैं, जो उनका लोगों को बूस्ट करने का जो तरीक़ाकार है वो मेरे ख़्याल में वो भी काबिल स्ताइश है, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरे ख़्याल में जो हमारी रैली है जी, वो इस तमाम एक्टिविटी को डेडिकेट करेगी, जहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स के लिए, वहीं पे हम डेडिकेट करेंगे इन जो इंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, उन लोगों को। जबरदस्त, ये देखें जी, बूस्टिंग करते हुए, वाह। ये जी हमारी रेंजर्स की बहनें हैं जो जा रही हैं, और उनकी परेड और उनका जो जज्बा है ज़बरदस्त है। जी जी रेंजर्स के जवान एक दफ़ा फिर, बहुत खूबसूरत अंदाज में जी गेट तक पहुँचे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जी ये जो इनक्लोजर है जो ये बना हुआ है, यहाँ पे परेड ग्राउंड जो बना हुआ है, इसमें पहले गुंजाइश थी तकरीबन कोई 5-6 हज़ार लोगों की गुंजाइश थी,
तो जबकि इंडियन साइड के ऊपर जो है ये काफ़ी बड़ा था, उसमें तकरीबन कोई 20,000 से 25,000 लोगों की गुंजाइश थी डेली जो परेड देखने के लिए आते हैं। तो अभी पाकिस्तान रेंजर्स जो है जी और हुकूमत पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया है इसको एक्सटेंशन का, अब इसको जो है वो बहुत बड़ा इंक्लोयर बना रहे हैं और इसमें अबाउट कोई 25,000 से 30,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश होगी। और फिर जो किसी स्पेशल ओकेजन के ऊपर, इवेंट के ऊपर जो परेड होगी उसको देखने का मज़ा ही कुछ और आएगा। ये देखें जी, एक चाकू चौबंद दस्ता जो है वो जा रहा है जी गेट की तरफ। वाह ज़बरदस्त। ये खुसूसी अंदाज है जी इनका। ये देखें जी कैसे बूस्ट कर रहे हैं मोराल को, लोगों के मोराल को बूस्ट कर रहे हैं ये जी। ये जो आप फ्लैग्स के साथ आ रहे हैं इसमें जी मेरे नॉलेज के मुताबिक ये फ्लैग्स जो हैं ये सारे के सारे जो हैं वो रेंजर्स के चारों सूबों के यानी पंजाब रेंजर्स, बलूचिस्तान रेंजर्स, केपीके रेंजर्स और सिंध रेंजर्स, और फिर एक इनका जो है वो रेंजर्स का अपना फ्लैग है और एक इनके स्कूल का जो रेंजर्स ट्रेनिंग एकेडमी है उसका फ्लैग है। तो ये फ्लैग मार्च जो है ये उसकी है जी, रेंजर्स की। ये जी अब बाज़ाब्ता तौर पे मेहमान खुसूसी से जो है वो परेड की परमिशन ली जाएगी। जी जी अब मेहमान खुसूसी के सामने डीजी रेंजर्स हैं मेरे ख्याल से, उनके पास सामने ये आए हैं और यहाँ पे बाज़ाब्ता परेड स्टार्ट करने की परमिशन ली है और ये परमिशन मिली इनको। और ये अपनी जगह पे जाके खड़े हो गए और अब बाज़ाब्ता तौर पे परेड का आगाज़ होगा। जी गेट खुल गए हैं जी।
इंडिया से और पाकिस्तान से दोनों साइडों के जो रेंजर्स हैं वो आप कंट्रोल लाइन पे आएंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आएंगे और वहाँ पे आके एक दूसरे से मुसाफा करेंगे और फिर इसके परेड की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। خصوصی انداز دونوں سائڈوں سے ہوگا، لیکن ماشاءاللہ پاکستان والوں کا انداز زبردست ہے۔ یہ خصوصی انداز ہے جی، جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جی، یہ جو واگہ بارڈر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ دنیا کا موسٹ کریٹیکل بارڈر، جہاں پہ جو ہے وہ پریڈ جو ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جس طرح شاید یہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ کبھی اس کو سرچ کریں گوگل کے اوپر تو آپ لکھ دیں کہ ورلڈز موسٹ کریٹیکل بارڈر، تو جو ٹاپ آف دی لسٹ آئے گا وہ واگہ بارڈر کا نام آئے گا۔ اور سیکنڈ پہ جو آتا ہے جی وہ گنڈا سنگھ بارڈر جو ہے وہ آتا ہے جو قصور سائڈ میں ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی تیسرے چوتھے نمبر پہ کوئی اور کنٹریز کے ہوں گے، لیکن جو دو موسٹ کریٹیکل بارڈرز جو ہیں وہ جو گوگل سرچ میں آپ کو ملیں گے وہ ملیں گے واگہ اور گنڈا سنگھ بارڈر۔ دونوں بارڈرز جو ہیں وہ انڈیا پاکستان کے، ایک قصور سائڈ پہ اور ایک جو ہے یہ لاہور واگہ میں ہے جی۔ لوگوں کا جذبہ دیدنی ہے جی، نعروں کا زبردست جواب آتے ہیں۔ Pakistan!
خوبصورت انداز. یہ اسپریڈ کا حسن ہے جی, جہاں پہ یہ جوش اور جذبہ جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے وہ دکھایا جاتا ہے. واہ, اگین ایک دفعہ خوبصورت انداز میں یہ اچھا جی, ہم لوگ تو اپنے موبائلوں سے شوٹ کر رہے ہیں اور کچھ ہمارے پاس گوپروز وغیرہ ہیں اس سے شوٹ کر رہے ہیں, لیکن کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم اس کو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں اسپیس ایسی ملتی کہ جہاں سے ہم اس کو زوم پراپر کر کے دکھا سکتے, لیکن پھر بھی پریڈ تو وہ ساری آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ انڈین سائٹ ہے جی, اور آدھے سے زیادہ امپلائر ان کا خالی پڑا ہوا ہے, شاید ہمارے رینجرس کے جوانوں کے ڈر کی وجہ سے. جیسے ہی جی اب جھنڈا اتارنے کے لیے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی, تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ جھنڈے کے ادب میں احترام میں سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے.
जी जी अब झंडे उतारने की तकरीब शुरू होने लगी है। FLC इसको कहा जाता है जी। FLC फ्लैग लाउरिंग सेरेमनी। और जैसे ही इसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी तमाम लोग अपनी अपनी जगहों पे झंडे के एहतराम में खड़े हो जाएंगे। बिगल बजेगा और सब लोग खड़े हो जाएंगे। और ये सब लोग खड़े हो गए। अब ये झंडे जो हैं वो उतारे जाएंगे। और जी ये झंडे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गए हैं। जैसे ये झंडे नीचे उतरेंगे इनको रस्सियों से अलहदा किया जाएगा तो फौरन ही जो स्क्वाड है इसका रेंजर्स का वो उसमें जो लीड पे होंगे वो दो ख्वातीन होंगी और उनके पीछे झंडा जो कैरी करेंगे। पहले झंडा जैसे ही उनके दिया जाएगा वो उसको झंडे को चूमेंगे और उसके बाद वो परेड करते हुए इसको इंक्लोयर में ले जाएंगे जहाँ पे झंडे को रखा जाता है। और फिर कल सुबह दोबारा से इस झंडे को वापस जो है वो दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इंडिया वाले अपना झंडा लगाएंगे, पाकिस्तान जो है वो अपना झंडा लगा के ये जो सेरेमनी है इसको सुबह के टाइम भी एक दफ़ा किया जाता है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो शाम के टाइम ही यहाँ पे आते हैं। और ये जी झंडा है ये उतर गए जी, अब ये यहाँ पे उतारेंगे। ये खोला फोल्ड किया ये स्क्वाड लाइनअप हुआ, ये झंडे को चूमा और ये
जी झंडे को जी अपने एम्प्लॉयर में देके। अच्छा जी, आपको आज का व्लॉग देख के अच्छा लगा होगा, और क्योंकि हमारे कुछ कैमराज ऐसे थे कि जिसमें हम लोग को वो स्पेस नहीं मिल सकी कि हम आगे जा सकें या इसको वो कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शुमाइला भी आई हुई है, तो व्लॉग के बिल्कुल एंड पे शुमाइला भी आपको दिखाएंगे। शुमाइला देखना ना भूलिएगा। TNT TV PK को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और देखते भी रहें। शुमाइला से मिलते हैं।